वेल्डर्स हो सकते हैं नीदरलैंड के अगले पीएम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही गीट वेल्डर्स जो कि इस्लाम विरोधी बयान देते आए हैं, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार के समय नीदरलैंड में कहा था कि अगर वो पीएम बनते हैं तो कुरान पर प्रतिबंध लगा देंगे, मस्जिदों को बंद कर देंगे और ऐसे बहुत सारे उन्होंने बयान दिए। ऐसे में अगर ऐसा होता है, गीट नीदरलैंड के पीएम बनते हैं, तो फिर ये ऐसा बदलाव होगा नीदरलैंड की राजनीति में जो कि पूरे यूरोप की सियासत को हिला करके रख देगा। गीट बिल्डर्स, जिनकी पार्टी को 150 में से 35 सीटें एग्जिट पोल में मिली है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें। और गीट बिल्डर्स, आपको याद होगा कि जब नुपुर शर्मा ने, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के बयान दिया था, तो गीट बिल्डर्स ने उनका समर्थन किया था। ऐसे वक्त में जब नुपुर शर्मा को विरोध का सामना देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको विरोध का सामना करना पड़ा था, तो फिर गीट उनके समर्थन में आए थे और उन्होंने कहा कि जो नुपुर शर्मा ने कहा उससे वो सहमत है और उनकी राजनीति इस्लाम के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन मुश्किल रहा अभी भी है गीट के लिए, क्योंकि नीदरलैंड में उनकी पार्टी को जो सीटें मिल रही है, ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी तो बन रही है उनकी पार्टी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं है। तो क्या फिर जो वो इस्लाम विरोधी राजनीति करते हैं, जो बयान देते हैं, मुखर होकर के अपनी बात जनता के सामने रखते हैं, बाकी पार्टियां उनकी इस छवि को स्वीकार करेंगी और ऐसे बयानों को समर्थन दे पाएंगी? ये इस वक्त सबसे बड़ा बदलाव होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल में इस वक्त सामने आ रहा है, जिस तरीके से गीट का चुनाव प्रचार रहा है और जो यूरोप की राजनीति रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से नीदरलैंड में 2010 से जो पहले की सरकारें थी उसमें गीट विल्डर्स, जो कि विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता थे, खुलकर इस्लाम विरोधी बयान देते आए हैं और वो कहते हैं कि वो कुरान पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब ऐसे में जब एग्जिट पोल में से बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और बीजेपी के नेता तेजिंदर बगा ने बकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया है और ट्वीट में ये भी लिखा है कि गीट विल्डर्स जब उनका समारोह होगा, यानी कि जब वो पीएम पद की शपथ लेंगे, तो क्या नुपुर शर्मा उस वक्त मौजूद रहेंगे? हालांकि ये सिर्फ कयास है, अभी एक रास्ता उन्होंने तय किया है, लंबा सफर उन्होंने तय किया है, लेकिन ये आखिरी पड़ाव नहीं है। आखिरी पड़ाव तब होगा जब नतीजे सामने आएंगे, जो बाकी पार्टी के लीडर्स हैं, क्या वो उनको समर्थन देते हैं, क्या वो उनको नीदरलैंड की सबसे बड़ी गद्दी तक पहुंचाने में अपना समर्थन देते हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है।